नई हिंदुस्तान की नई फौज और इस नए फौज के आ, सिपाही हमारे अपने सुपर सोल्जर हम जिसे कह सकते हैं जॉन इब्राहिम इस वक्त मेरे साथ है और इस सुपर सोल्जर के पीछे का जो ब्रेन है मैडम सुपर साइंटिस्ट सुपर साइंटिस्ट बहुत बहुत स्वागत है आपका आप दोनों का इंडिया टीवी पर so और जॉन रकुल प्रोमो देखते ही एक होता है ना जो एक पॉजिटिविटी मैं प्रोमो वाले दिन मौजूद नहीं थी वहाँ पर बट आई वॉज़ वेटिंग फॉर द क्लिप टू कम इन मैंने देखा मुझे बहुत सुन सुंदर बहुत ही प्यारा लगा और जो आधे घंटे के अंदर जो हमें रिस्पॉन्स मिला दैट वॉज सुपर सो कहते हैं कि आधी जंग आप तभी जीत जाते हो जब आपका वो पहला शॉर्ट लोगों को पसंद आता है योर बिहाइंड इट आई थिंक यू राइट मेरे हिसाब से और मैंने अपने डायरेक्टर को भी कहा कि आप जितनी भी मार्केटिंग करो ये जो इंटरव्यूज हम लोग कर रहे हैं दिस इज दिस इंटरव्यू बिकॉज वी टू मीट यू ओके वेरी ऑनेस्टली बट आउटसाइड ऑफ दैट आई फील ये टिकट सेल्स में ट्रांसलेट नहीं होते आई फील मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट का मतलब है आपका फर्स्ट टीजर अगर उससे एक्साइटमेंट लेवल यहाँ पे बढ़ता है और ट्रेलर के बाद यहाँ पे होता है काफी डिपेंड uh, होता है इट ऑलवेज कुड भी बेटर और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने स्क्रीन हमें देते हैं शो टाइमिंग्स क्या होता है उस पर भी काफी जो नॉर्मल ऑडियंस को पता नहीं होता है उन लोग देखते हैं क्योंकि आज के तारीख में सब लोग तो

पहले एक वक्त था एक्टर्स जाते थे अच्छा ये गाना है ये ऐसा एक समय था वो भी आई एम नॉट डिमीनिंग एनी थिंग बट आज का दौर अलग है इंटेलिजेंस की दुनिया है आप किस तरह से इतफाक रखते हैं एब्सिल्यूटली आई थिंक वो भी हैं उस तरह की फिल्में भी हैं बट आई थिंक अभी बहुत एक्साइटिंग पार्ट जो है वो ये है कि लोग स्क्रिप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यू नो नए नए रोल्स के साथ और ऑडियंस भी ऐसी नई फिल्में देखने के लिए तैयार हैं आई थिंक वो जो चेंज पिछले दो तीन साल में आया है यू नो वेदर इट इज़ एक्सपेरिमेंटिंग विद द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म या बेटर रोल्स फॉर वुमेन और इवन फॉर मैन फॉर दैट मैटर यू नो आप एक एक्सपेरिमेंटल दुनिया में हो और वो एक्सपेरिमेंट करने की ताकत रखते हो और लोग भी देख रहे हैं और इससे अच्छी चीज़ एक्टर के लिए नहीं हो सकती बिकॉज आप बोर नहीं होते सेम चीज़ करके आई थिंक फॉर मी मैं मैं हर फिल्म में अलग कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ यू you नो know, ऐसा नहीं है कि मैं नाच गाना नहीं करना चाहती वो भी अपनी जगह चाहिए वो एंटरटेनमेंट है वो भी है। अपनी तरह का एंटरटेनमेंट है बट यू नो जस्ट द फैक्ट कि आपको अलग-अलग तरह के रोल्स मिल रहे हैं आज इज द बेस्ट थिंग फॉर एन एक्टर जॉन जिस तरह से आप चैलेंजेस लेते हो आपने जॉन इतना चेंज किया है और हर जगह पे आपने वो जगह बनाई है Uh, artificial intelligence is something which we had discussed long back. If you remember आपके uh, interaction Yeah 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 yeah। So uh, पढ़ते bahut ho and you experiment a lot, you read a lot. to ye jo duniya hai इसे जब explore किया, तो कितना कुछ आपका भी input, I'm sure uh, you know आपने। Yeah, in luxury में बैठे थे साथ में and I think uh, we researched a lot. तो to I uh, tell you exactly how it happened. iPad खोला हम लोगों ने। वेंट गूगल क्योंकि हमें एक्शन फिल्म बनानी थी बट वी वॉन्ट मेक इट विदर डिफरेंस तो नेथन कोपलिन करके एक अमेरिकन सिटीजन था वो इज अ पैराप्लेजिक व्हील चेयर और उसके ब्रेन के अंदर एक सर्जरी किया गया था लेकिन उसके ब्रेन के बाहर ऐसे इलेक्ट्रिकल नोट्स थे एंड ही कूडन वॉक बट बिकॉज नोट्स के वजह से और वो कंप्यूटर चिप की वजह से वॉट एवर ही वॉन्टेड टूडे वो चल सकता है भाग सकता है सब कुछ कर सकता है लेकिन बहुत सारे नोट्स है सो इट अ लिल रिस्ट्रिक्टेड तो हमने वो नोट्स को एक और चिप बनाकर हमने यहाँ पे डाल दिया दट्स ऑल वी एफ डन तो जो हमने दिखाया फिल्म के अंदर इज एक्चुअली हैपनिंग तो आई ओपन द आई पैड और जब भी आप फिल्म देखोगे नेथन को पहला क्रेडिट मिलता है फिल्म के अंदर वी हैव गिवन माई स्पेशल थैंक्स क्योंकि उनके साथ काफ़ी वॉइस कॉन्फ्रेंसेज और जूम कॉल्स हुए uh, उसके बाद डी uh, जो हमारी जो डिपार्टमेंट है ऑफ रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन

आपके अंदर एक इनबिल्ट की तरह है सो so, uh, जैसे गूगल होम सीरी आप कुछ भी बात कर सकते हैं आप पूछ सकते हैं so, सो आपके अंदर वो है जो आपको हेल्प कर रहा है बट टू सिंप्लीफाईरा एक चिप बेसिकली है जो इधर नेक में इंसर्ट uh, होती है सॉरी इधर एंड देन एक मिनी कंप्यूटर इधर नेक में होता है सो वॉट एवर यूर योर बॉडी वॉन्ट टू डू सो बेसिकली ब्रेन और मसल का कनेक्शन टूटा होता है तो so, वो कनेक्शन वो ज्वाइन कराती है एंड अगर आप अपना हाथ हिलाना चाहते हो तो आपका हाथ हिलेगा सो इट्स ऑल कमांड सो इट्स योर ब्रेन थिंकिंग समथिंग राइट एंड दैट मैसेज टू योर चिप देन कंप्यूटर रीड्स इट एंड देन योर मसल मूवमेंट सो इट्स अ कंप्लीट सर्किट कंप्लीशन दैट ही बिकम्स सुपर सोल्जर एंड ईरा नाउ इज़ अ स्मार्टर वर्जन नॉट जस्ट मूविंग हैंड्स बट हैज सो मच मोर इन्फॉर्मेशन पावर यू नो डाउनलोडिंग अ लॉड ऑफ इन्फॉर्मेशन तो जो आप एक्शन देख रहे हो वो भी एक्स्ट्रा कूल cool है बिकॉज अंदर इमेजिन एक ईरा है बोले आगे राइट साइड में ये है आगे यू नो सो इट्स वेरी कूल टू वॉच लाइक योर वीडियो गेम्स

Sure because, uh, हमेशा एक डाउट होता है अच्छा इंडियन वर्जन है लेकिन मुझे लगता है कि uh, जितना प्रोमो का जो हम देख रहे हैं है, it. है. लोग देख के बाहर निकल के आई एम श्योर ये कहेंगे कि cool, like तो वो रिस्पॉन्स मिलेगा आपको बिल्कुल आगे uh, की जर्नी आगे का काम अगर मैं पूछूँ आपका पठान uh, बहुत ज्यादा वो भी uh, Making a lot of noise. So, how do you look at it? No, I, I, before that, I've got equivalent returns. So, there's still a long way to go. Long, long way to go. Uh, right now, just concentrating on attack and yeah. making sure. We all are doing that. Yeah. Like attack the box Atta office <laughs> no. on first date. Atta attack. <laughs> <laughs> <I> chuka <laughs> hai. And just like attack, la <laughs> attack. concentrate on attack. Don't get confused. नहीं सर एंड इवन ऑल द एक्शन दैट आर डन इन द फिल्म जितना भी एक्शन हुआ है फिल्म के अंदर जॉनी ब्रह्म डन नो एक्शन पूरा ईरान ने किया है एक्चुअली सो इन द फिल्म जॉन कुछ नहीं कर सकता है जो जॉन का कैरेक्टर है अर्जुन शेरगिल वो कुछ नहीं कर सकता है इट्स ओनली ईरा डूइंग एवरीथिंग और ईरा इसके कमांड्स पे चलती है she's right there no yeah <laughs> it's very difficult to make him listen to ira but wo aap film mein dekhenge so, abhi yeah. the naughty boy the <laughs> <laughs> apna apna intelligence unka apne paas hai ji <laughs> नहीं इंटेलिजेंस है लिमिटेड इंटेलिजेंस अच्छा जॉन आपने कहा कि ये होगा सो एज एज अ पर्सन आर यू ओके विद इट मतलब सबके अपने अपने सोच है सो so, मेरे हिसाब से आई थिंक वी डिजर्व इट आई डोंट नो आई एम ओके विद इट बट वी डिजर्व इट वेरी वेल सेड या वेरी वेल सेड आई थिंक आई तो मतलब आफ्टर द होल कोविड थिंग आई शुड बी सेइंग दिस वी डोंट डिजर्व टू द वे वी हैव डिस्ट्रॉयड द प्लान वी डोंट डिजर्व इट ओनली या अभी रिसेंटली जितनी भी फिल्में आई देशभक्ति में बहुत ज्यादा आपको देखा जा रहा है इसमें भी है आई थिंक नॉट रियली नहीं, नहीं इसमें आपसे ये कमर्शियल एंटरटेनर है इसमें झंडा वंडा यू नो देर इज नो ओवर्ट देशभक्ति कुछ नहीं है इट्स अ कमर्शियल एंटरटेनर हम लोग बहुत क्लियर है इनफैक्ट uh, काफी हमारे डिस्कशन भी हुए ड्यूरिंग मार्केटिंग uh, के अरे uh, कश्मीर फाइल्स आई उसके बाद आर, आर, आर Everything is देशभक्ति, देशभक्ति। Should we make this also? The... I said no. I said be confident, trust the process. hamari jo film hai wo commercial film hai it will work within our audience. Don't worry. आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि you know हम second नहीं हैं, हम अपना जो काम करते हैं, we are very much capable and we are there. तो ये confidence ये जो है ये आप लोग ही लेकर आओगे। करें। अब खुद के लिए हम बातें ही करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे okay. आपको बहुत ज्यादा मिस किया जा रहा है कॉमेडी uh, जॉनर मैं वाओ एवरीबॉडी इज इन देयर यस आई थिंक सो का मैं उसी दिन तुम का देख रही थी कर रहे हम लोग आई एम डूइंग एन एक्शन कॉमेडी जिसमें बहुत सारा मूवी टाइटल you're the first one because i like you i'm telling you i think it's called 100% oh wow. <laughs> wow so i've got the news <laughs> thank you so much thank you. <laughs> <jald> runway <laughs> runway mein. please uh, everybody go and watch runway 34 so sweet, Arjun. Yeah, yes, first seat on yes but first watch in the film <laughs> yeah? Yeah,